ఇక డిటైల్స్ లోకి వెళ్తే మహారాష్ట్ర శంభాజీపూర్ లో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు 500 నోట్లపై రాముడి ఫోటోను ముద్రించాలని డిమాండ్ చేశారు ఇది 100 కోట్ల మంది హిందూల డిమాండ్ అని అన్నారు ఇప్పటికే అమెరికా థాయిలాండ్ యూరప్ 80% ముస్లింలు ఉన్న ఇండోనేషియా దేశాల్లో కరెన్సీపై మన దేవుళ్ళను ముద్రించి చలామణిలో ఉన్నారని అన్నారు దేశంలో వర్క్ బోర్డ్ పేరుతో ఉన్న భూములు రిలీజ్ చేయాలి దేశ విభజన సమయంలో మన దేశ ప్రజలను హత్య చేసిన వారి ఆస్తులు కాపాడేందుకు నెహ్రూ వర్క్ చట్టం తెప్పించారని అన్నారు ఒక మహారాష్ట్రలోనే 10 లక్షల ఎకరాల భూమి వర్క్ బోర్డ్ పేరుతో ఉందని తెలిపారు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ భూములను రిలీజ్ చేయాలని కోరారు నలుగురు కలిసి ఎవరి భూమిపైన పిటిషన్ వేస్తే ఆ భూమిని ఎవరు కాపాడలేరని అన్నారు और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करता हूं कि 500 रुपए के नोट पर हमारे रामचंद्र जी की तस्वीर हो 500 रुपए के नोट पर हमारे रामचंद्र जी की तस्वीर हो ये भारत देश में 100 करोड़ हिंदू रहता है ये 100 करोड़ हिंदुओं की डिमांड है मांग है और इस मांग को पूरा करें अरे अमेरिका जैसे क्षेत्र में अमेरिका जैसे क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की वर्ल्ड पीस बोर्ड कहकर वहां पर भी करेंसी चलाते हैं और थाईलैंड में हमारे भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और शिव जी की प्रतिमा को वहां पर भी करेंसी में चलाते हैं और यूरोप में भी यूरोप के शहर में राम नाम की करेंसी भी चलती है और इंडोनेशिया जहां पर 87% मुसलमानों की आबादी है वहां पर भी 20,000 की नोट पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा होती है तो हमारे भारत देश में जो आज पूरा विश्व देख रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही है तो पूरे राम भक्तों की यह निवेदन है राम जी की तस्वीर 500 रुपए की नोट पे होनी चाहिए मेरे भाइयों आज कितना खुशी हो रही है आपको बताइए सचमुच में कि रामलला वहां पर विराजमान हो रहे हैं अरे हम लोग कहते थे कि लाठी गोली खाएंगे मंदिर वही बनाएंगे कुछ लोग कहते थे मंदिर तो बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे तो आज वो लोग ये देख रहे हैं कि तारीख भी तय हो गई और मंदिर भी बन गया 22 जनवरी के दिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना हो रही है कोर्ट के आदेश पर यही कोर्ट के आदेश पर मथुरा में भी कृष्ण जी का मंदिर बनेगा कोई रोक नहीं सकेगा यही कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी की जो इलीगल रूप से जो बना हुआ है कोर्ट का आदेश आएगा और वो हटेगा और वहां पे भी भव्य मंदिर बनेगा मेरे भाइयों कोई रोक नहीं सकेगा अरे बाबर ने औरंगजेब ने कईयों मंदिरें तोड़कर वहां पर पता नहीं क्या क्या उन्होंने बनवा दिया है लेकिन सभी के सभी बनेंगे लेकिन मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जमीनें जो कईयों खेतों की जमीनें कईयों किसानों की जमीनें इनलीगल रूप से कब्जा हो गई है वक्फ बोर्ड के नाम पर आपको बताए ना ये वक्फ बोर्ड क्या है ये वक्फ बोर्ड ऐसी एक चीज है ऐसी एक एक्ट है अगर सपोज ये ग्राउंड है अगर 4 लोग आकर एक छोटा सा पिटीशन लिखकर डाल दे कि ये वक्फ बोर्ड का लैंड है तो लैंड को कोई नहीं बचा सकता भारत के संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एक बार वक्फ बोर्ड क्लेम कर दे तो उसको कोई नहीं बचा सकता उतना स्ट्रांग वक्फ बोर्ड के कानून को बनाकर चले गए।